हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सक्रीशन, क्लास 10 सीबीएसई का लाइफ प्रोसेस का सबसे लास्ट पार्ट जिसका नाम है एक्सक्रीशन। हम लोग यहाँ पे एक्सक्रीशन इन प्लांट देखेंगे, एक्सक्रीशन इन एनिमल देखेंगे। तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन होगा, एनिमल जिसको हम बोल रहे ह्यूमन होगा, उसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लांट देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप प्लीज जाकर देखें। आपको लिंक में यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर उसको जरूर देखें ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि एक दूसरे से सारा कुछ लिंक्ड है। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन हम लोग देखने जा रहे हैं, और एक्सक्रीशन देखने जा रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। तो हमने एक टर्म देखा था इजेशन, और यहाँ पे एक्सक्रीशन, इजेशन का मतलब होता है कि द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे बॉडी से सॉलिड फूड मटेरियल है वो जो रिमूव होते हैं उसके प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं। और जब हमारे बॉडी से जो लिक्विड पार्ट है, बोलते हैं द रिमूवल ऑफ लिक्विड वेस्ट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब यूरिनरी, ठीक है, मतलब यूरिनेशन बोलते हैं इसको। यूरिनेशन मतलब जो डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी से लिक्विड मटेरियल है जो कि वेस्ट है और हमारे बॉडी में वो नुकसान करेगा, उसको निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। अब सुनेंगे कि ये एक्सक्रीशन करना क्यों जरूरी है। तो जैसे कि अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी में रह जाएंगे तो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं, वैसे आपके बॉडी में अगर एक्सक्रीशन ना हो, जो टॉक्सियस लिक्विड्स हैं उसको बाहर आप ना निकालें, तो क्या हो सकता है कि आपके बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे ही जैसे कि हम लोग घर की सफाई अगर नहीं करें तो घर में दुर्गंध आने लगेगा, बहुत सारी बीमारी फैलने लगेगी और आपका जो जीना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें एक्सक्रीशन ना हो तो हमारे बॉडी को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो ये हमने बना के रखा है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, और ये ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम काम कैसे करता है तो इसी का हम लोग बात करेंगे। ये समझ लीजिए कि ये जो है वो घर में जो काम करने वाली होती है ना, काम करने वाली बाई, तो ये घर को साफ सुथरा रखती है, उसी तरह से ये भी काम करता है। ये भी आपके बॉडी को पूरा साफ सुथरा रखेगा और आपको बीमारियों से बचाएगा। अगर ये काम करना बंद कर दे तो ह्यूमन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत लोग को सुने भी होंगे आपको किडनी डैमेज हो गया, किडनी फेल हो गया, ठीक है, इस टाइप का चीज़ आप लोग सुने होंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये जो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है ये काम कैसे करता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको बीन सीड्स लाइक शेप दिख रहा है, ये दोनों, इसको हम लोग बोलते हैं किडनी, ठीक है, ये किडनी है। तो हम अगर ऐसे खड़ा हो जाए तो ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, ठीक है, तो ये लेफ्ट है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट किडनी और ये हो जाएगा आपका राइट किडनी, ठीक है। राइट किडनी लेफ्ट किडनी क्या है, ये जो है समझ सके कि हमारे बॉडी का केंट है, केंट समझते हैं, जो फिल्टर करता है। तो ये जो है हमारे बॉडी में लिक्विड को फिल्टर करता है, जो भी लिक्विड हमारे ब्लड में होते हैं और जो हार्मफुल होते हैं उसको ये फिल्टर कर देता है, और फिल्टर करने के बाद आपके बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं किडनी, ये ऊपर जो आपको छोटा छोटा दिख रहा है दोनों तरफ, इसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ये एड्रेनल ग्लैंड क्या है, तो एक टाइप का ग्लैंड है जिससे हार्मोन सीक्रेट होता है, और ये हार्मोन के बारे में हम लोग डिटेल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे कि क्या ये चीज है। तो ये आपका एड्रेनल ग्लैंड जो एड्रेनलिन रिलीज करेगा, इसका यहाँ पे एक्सक्रीशन में कोई काम नहीं है। ये आपका किडनी है, ठीक है, किडनी से होकर ब्लड आता है, और यहाँ पे ये जो आपको पाइप दिख रहा है ये ट्यूब, इसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं, और यूरेटर से होते हुए जो ट्यूब है दोनों किडनी से आके एक ब्लैडर में मिला हुआ है, और इस ब्लैडर को हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब है कि यहाँ पे जो है आपका यूरिन स्टोर होता है, और ये जो लास्ट है यूरेथ्रा, इसके थ्रू आपका जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर हो जाता है। तो आप समझेंगे इसको थोड़ा फंक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें हमने ब्लू कलर से कुछ कुछ किया, अगर आपको दिख पा रहा होगा ब्लू कलर तो आप देख सकते हैं, जिसमें हम डॉट यहाँ पे इसको हमने भरा हुआ है, ये जो आपका ब्लू कलर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो भी आपको दिख रहा है ये ब्लड विसल्स है, ठीक है, ये भी ब्लड विसल है, ये भी ब्लड विसल है, ठीक है। लेकिन जो ब्लड विसल ऑक्सीजन रिच को लाता था उसको हम लोग आर्टरी बोलते थे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच को लाता था उसको वेन बोलते थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक ब्लड को लाएगा किडनी तक, और एक जो है किडनी से ब्लड को ले जाएगा, ठीक है, दो काम हो रहा है। तो जो
दिख रहा है आपको, ये जो है जिसको हमने ऊपर आयोटा लिखा था, आयोटा के बाद हमने हर्ट में किया था, ये जो है आपका इसको हम लोग, ये आर्टरीज है ठीक है, आर्टरी, और ये क्या करेगा ब्लड को किडनी तक लाएगा, ये जो है ब्लड को किडनी तक लाएगा और किडनी तक लाने के बाद दोनों किडनी में ये भेज देगा, यहाँ से ब्लड आएगा और ये जो है इधर और इधर दोनों किडनी में भेज देगा। अब दोनों किडनी में भेजने के बाद इसका अंदर फिल्ट्रेशन होगा और फिल्ट्रेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इस डक्ट के थ्रू इसमें भेज दिया जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ से भी यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा वेस्ट मटेरियल, और जो ब्लड होगा जो कि काम का ब्लड होगा वो फिर से आपका जो ये चीज है कौन, आपका ये जो दूसरा है जो आर्टरी है और इसको वेन बोलते हैं ना, इसको हम लोग रेनल आर्टरी बोलते हैं और इसको रेनल वेन बोलते हैं। तो रेनल वेन का काम होता है कि रेनल वेन क्या करता है कि जो भी ब्लड होता है किडनी में जो प्यूरिफाई हो गया, मतलब जिससे वेस्ट मटेरियल को अलग कर दिया गया, उसको वापस से इसके थ्रू भेज देता है कहाँ पे, हर्ट में। और आपने आपको हमने बताया था वेना कावा के बारे में, इसको इनफेरर वेना कावा बोलते हैं क्योंकि ये किडनी का जो ब्लड है वो फिर से हर्ट तक पहुंचाता था। तो आप याद रखेंगे कि क्या था कि वहाँ पे जो वेन का काम था पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हर्ट तक पहुंचाना, और आर्टरीज का क्या काम था हर्ट से ब्लड को कलेक्ट करके पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। तो यहाँ पे भी ये जो वेना कावा है यहाँ से जाएगा और हर्ट तक इस ब्लड को ले जाएगा, फिर से हर्ट जो होगा वो जिसमें ब्लड में इंप्यूरिटी होगी वो ये आर्टरी के थ्रू भेज देगा दोनों किडनी के पास, फिर ये किडनी इसको फिल्टर करेगा और फिल्टर करने के बाद फिर से वेस्ट मटेरियल को यूरिनरी ब्लैडर में भेज देगा और बाकी को हार्ट में भेज देगा, और उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर होगा वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू ये जो आपका लिक्विड वेस्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा बॉडी से। ये जो लिक्विड वेस्ट होते हैं ये मेनली नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, मतलब यहाँ जो यूरिन है हमारा वो क्या चीज़ होता है, वो एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन यानी हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का सॉल्ट होता है एक, जिसको हम यूरिया बोलते हैं। तो जो लिक्विड होता है उसमें यूरिया का अमाउंट ज़्यादा होता है, उसके अलावा एमिनो एसिड होता है, वाटर होता है, ये सारे चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमारे बॉडी से बाहर निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं निकाला तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो ये था आपका क्या एक्सक्रेटरी सिस्टम के काम कैसे करता है। एक बात और बता दें कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये बहुत इलास्टिक होता है, ये फैल सकता है ठीक है, जब इसमें यूरिन स्टोर होता है तो ये फैल भी सकता है ठीक है, मतलब थोड़ा अपना जो आकार है उसको बढ़ा सकता है, इलास्टिक होता है। और ये जो टोटल चीज है एक्सक्रेशन एक्सक्रेटरी सिस्टम वो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। अब नर्वस सिस्टम का कंट्रोल क्या है तो इसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब तक आप नहीं चाहें, आपका जब तक ब्रेन ये नहीं चाहेगा कि क्या हो कि यहाँ से यूरिन को डिस्चार्ज करना है, तो तब तक ये यहाँ से यूरिन डिस्चार्ज नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है कि आपको टॉयलेट लगा और आपको आया यूरिन ब्लैडर में अपने आप निकल गया, ऐसा नहीं होता। हम लोग जब चाहते हैं बाहर जाते हैं तभी हम लोग जाके वो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि ये हमारे नर्वस कंट्रोल में है, ये अपने आप नहीं होता है। अब एक बात और मैं बता दूं कि जब लोग कोई ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले लेते हैं तो उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो थोड़ा काम करना अच्छा नहीं करता है और उनका यूरिन डिस्चार्ज बिना उनके नर्वस कंट्रोल के हो जाता है। तो ये आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब बात करेंगे यहाँ पे भी एक आपको फिगर दिख रहा होगा, ये भैया है क्या चीज़, ये कौन सा चिड़िया है, बहुत जलेबी की तरह टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है आपको, लग रहा है ना। तो देखेंगे कि ये जो किडनी है आपके किडनी के अंदर में जो फिल्ट्रेशन का काम करता है ये आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम है, इसको न्यूफ्रॉन बोलते हैं, ये आपका न्यूफ्रॉन का है। तो इसके अंदर में जो लेफ्ट किडनी राइट किडनी है इसके अंदर में मिलियंस ऑफ न्यूफ्रॉन होते हैं। अब न्यूफ्रॉन क्या है, तो न्यूफ्रॉन जो है किडनी का फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट मतलब जो फिल्ट्रेशन का काम करता है किडनी के अंदर वो आपका नेफ्रॉन ही काम करता है। अब सुनेंगे कि जैसे हम लोग ने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में विली था जो एब्जॉर्प्शन का काम करता था, लंग्स में आपका एल्वियोली था जो ऑक्सीजनेशन का काम करता था, वैसे ही किडनी में आपका नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन जो होगा वो यही फिल्ट्रेशन का काम करता है, मतलब जो केंट है आपका या जो फिल्टर है उसमें जो प्यूरिफायर होता है जो प्यूरिफाई करता है वही चीज़ है आपका नेफ्रॉन। बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिगर है इसका और हमने भी बहुत मुश्किल से बनाया, एक्चुअली मेरा आर्ट उतना बढ़िया है नहीं तो मैंने कोशिश की है कि आपको समझा दूं। चलिए देखेंगे कि आखिर इस किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता कैसे, वही चीज़ हमको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देख रहे ना यही फिल्टर कैसा होता है ये हम देखेंगे ठीक। तो सबसे पहले कि
किडनी में जब यहाँ पे घुसते हैं तो ये आपको सी टाइप का कुछ ऐसा करके स्ट्रक्चर दिखता है। अब हमने बुक में देखेंगे, उसमें अच्छे से फिगर दिया होगा, यहाँ पे बनाया है हमने आउटलाइन में सिर्फ, तो वहां देखें कि ये जो आपको कटोरे जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा कटोरे जैसा चांद का टुकड़ा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बोमन कैप्सूल, ठीक है, बोमन कैप्सूल। और यहां से आपका जो है ये आपको जितने भी दिख रहे हैं सिंगल लाइन, ये सब सिंगल लाइन वाले, ये हो गया सिंगल लाइन, दिख रहा है ना सिंगल लाइन, ये सब आपके ब्लड वेसल्स हैं। तो यहाँ पे इसके थ्रू सबसे पहले जो ब्लड है वो बोमन कैप्सूल के पास आता है, ठीक है, बोमन कैप्सूल में आएगा तो यहाँ पे आर्टरी के थ्रू आता है, तो आर्टरी से ब्लड यहाँ पे आएगा, तो आर्टरी के आने के बाद इसको रेनल ट्यूबल भी बोलते हैं ना, रेनल ट्यूबल, तो जहां से जिस ट्यूबल से ब्लड आता है बोमन कैप्सूल में उसको हम बोलते हैं एफरेंट रेनल ट्यूबल, और जहां से निकल के जाता है उसको इफेरेंट रेनल ट्यूबल बोलते हैं। तो यहां से एफरेंट रेनल ट्यूबल से आया और इफेरेंट से यहां पे चला गया। अब यहां पे ये जो ब्लड है वो यहां से होते हुए ये प्रॉक्सिमल ट्यूबल में जाता है, ठीक है, ये टेंथ के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देख लीजिए एक बात और सुन ले, यहां पे जब एफरेंट से आता है तो ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे जब ब्लड आता है इसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और इसके बाद ये इफेरेंट ट्यूबल से रेनल ट्यूबल से ये पहुंचता है प्रॉक्सिमल ट्यूबल में, और प्रॉक्सिमल ट्यूबल के बाद ये जो विसल दिख रहे हैं, जो ब्लड विसल दिख रहे हैं, ये सब जो है हमने देखा कि यहाँ पे देखे गए कि इधर थोड़ा ब्लू से बनाया हुआ है, मैंने इधर ब्लैक से बना हुआ है, अगर मेरे पास रेड मार्कर होता तो मैं रेड से बनाता, लेकिन रेड मार्कर है नहीं, अफसोस, लेकिन फिर भी आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब ब्लड यहाँ से आएगा तो ये प्रॉक्सिमल ट्यूबल से होके जाता है। अब इसमें ब्लड है, अब इसको फिल्टर कैसे किया जाए, तो क्या होता है कि इसमें जब जाता है ब्लड, ठीक है, जाने के बाद ये ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कर्व पार्ट है इसको हम लोग हेनली बोलते हैं, ठीक है, हेनली, ठीक है, और ये आपको लूप है ऐसे घुमा हुआ, इसलिए लूप ऑफ हेनली या हेनली लूप भी इसको बोलते हैं। अब ब्लड जब इसमें आएगा तो क्या होता है कि ये जो आपको प्रॉक्सिमल ट्यूबल है वो क्या करता है कि जो इसेंशियल पार्ट है ब्लड का, जिसको वेस्ट नहीं होना है, जो आपका मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको एब्जॉर्ब करने लगता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये आपको हमने दिखाया, आप इसको बुक में अच्छे से देखेंगे कि ये जो आपका हेनले है, ठीक है, इसके चारों ओर इसके ऊपर लिपटे हुए ब्लड विसल्स होते हैं, और ये ब्लड विसल्स क्या करते हैं कि जो ब्लड का इसेंशियल मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं कि वो इसमें इधर वाला जो ब्लैक वाला ये लाइनिंग दिख रहा है ना ब्लड विसल, इसमें भेज देते हैं, और जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको इसी में रहने देते हैं, ठीक है। ये ब्लड विसल क्या करता है, इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी ब्लड जाएगा, जो कि लिक्विड है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो इस ट्यूब के थ्रू, आप देख रहे हैं हेनली लूप के थ्रू, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद ये इधर से होकर और यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो पहले यहाँ पे आया ब्लड, और ब्लड इधर इधर चला जाता है चारों तरफ, ठीक है, और ये इसको एब्जॉर्ब करके इसको इसमें भेज देता है, इसके बाद यहाँ से ऐसे भेजता है, ये इसके चारों जो ब्लड विसल्स हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो इधर से होते हुए इसको हम लोग मेन डक्ट बोलते हैं ना, ये मेन डक्ट है, मेन डक्ट मतलब यहाँ पे ये मेन डक्ट है आपका, इसमें पूरा यूरिन कलेक्ट होता है। और ये तो हुआ एक न्यूफ्रॉन, यहाँ पे जो हमने देखा यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है, ये जो जगह है इससे और दूसरे न्यूफ्रॉन जुड़े होते हैं, और आपको बता दें कि जो न्यूफ्रॉन है वो सिंगल अकेला इसमें नहीं होता है, इसमें मिलियंस ऑफ न्यूफ्रॉन होते हैं, मतलब 1.2 मिलियन लगभग इसमें एक किडनी में न्यूफ्रॉन होता है, और वो सारा काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना। तो यहाँ से ऐसे फिल्ट्रेशन आपका होता है, फिर जो आपका वेस्ट है वो यहाँ से होते हुए जो आपका हेनली लूप है इससे होते हुए यहाँ पहुँच जाता है, और ये जो आपका मेन डक्ट इसमें पहुँच जाता है, और ये जो आपको एरो दिखाया गया है ये मूवमेंट ऑफ यूरिन है, जो आपका यूरिन है वो इधर से मूव करता है, और मूव करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ से मूव करके कहाँ पर आएगा, यूरेटर में, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, फिर आपका यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप से फंक्शन करता है हमारा किडनी। एक बात और बता दें कि यहाँ पे जब किडनी का जो किडनी काम करना बंद करता है, मतलब किडनी फिल्ट्रेशन करना बंद करता है, इसका मतलब उसके न्यूफ्रॉन में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, न्यूफ्रॉन में कुछ गड़बड़ी आती है जिसकी वजह से किडनी बंद करता है, और सारे न्यूफ्रॉन जब लगभग खराब हो जाता है, बहुत कम बच जाते हैं, तो इसका मतलब किडनी जो है काम करना बंद कर देता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि किडनी को रिप्लेस भी किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, डायलिसिस, इसको हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस भी बोलते हैं, वो है आपका जब किडनी खराब होता है तब हो जाता है। तो ये तो हुआ हमारा एक्सक्रीशन इन, एक्सक्रीशन क्या हुआ, ये हुआ हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। अब थोड़ा हम लोग प्लांट्स का भी बात कर लें, तो प्लांट में मेनली हमको कुछ करना नहीं है, देखेंगे इतना में हम लोग देख लेंगे प्लांट्स में क्या करना है, एक्सक्रीशन इन प्लांट, थोड़ा सा प्लांट का बात कर रहे हैं। प्लांट में एक्सक्रीशन ज़्यादा टेढ़ा चीज नहीं है, थोड़ा सा कुछ है इसमें आप देखेंगे। तो प्लांट जो है अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल किस किस फॉर्म में निकालते हैं ये पहले समझ लेंगे। तो सबसे पहला जो हुआ वो लिप्स, लिप्स होट नहीं, लिप्स एल ई ए वी ई एस, ठीक है, लीफ है आपका, लीफ जब अलग होते तो वो भी उसका वेस्ट है। गम है, गम देखे होंगे आप पेड़ में गम निकलता है जब उसको काटते हैं हम लोग, गम हो गया। और क्या हो सकता है आपका, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, बार्क हो सकता है, उसका जो छिलका होता है छाल होता है वो सब भी उसके वेस्ट है। तो और क्या, तो ऑक्सीजन भी प्लांट्स के लिए वेस्ट है, और क्या, तो वाटर भी प्लांट के लिए वेस्ट है। तो आप समझेंगे कि यहाँ से एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो सबसे पहला एक्सक्रीशन वाटर का, एक्सक्रीशन वाटर कैसे होता है, तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा, जब स्टोमाटा खुलता है तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं तो वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है, ये एक्सक्रीशन हो गया किस चीज़ का, वाटर का। दूसरी बात एक्सक्रीशन अगर आप सॉलिड का बात करेंगे तो क्या होता है कि इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे वो हार्मोन्स की वजह से जो कि हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, हार्मोन जैसे कि आपका अब्सेसिक एसिड होता है जो कि जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं प्लांट बॉडी के उसको वो किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में स्टोर करता है, जैसे लिप्स में स्टोर करता है, लिप्स में पत्तों में स्टोर करने के बाद जब स्टोर कर देता है पूरा जो इसका वेस्ट मटेरियल पत्तों में, तो पत्ता का जो रंग है वो पीला हो जाता है और प्लांट से टूट कर अपने आप गिर जाता है और पेड़ के बॉडी से अलग हो जाता है। तो इस टाइप से प्लांट में एक्सक्रीशन होता है। ऑक्सीजन भी आपका क्या है, इसके लिए वेस्ट मटेरियल है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन जाता है, वो भी कैसे रिलीज हो जाता है, तो उसको भी एक्सक्रीशन के लिए स्टोमाटा के थ्रू ही एनवायरनमेंट में आ जाता है, ठीक है। और उसी तरह से आपका जो फ्रूट्स वगैरह हैं उसमें भी क्या होता है, कुछ वेस्ट पार्ट जो है प्लांट उसमें स्टोर कर देता है और उस पकने के बाद जब फ्रूट्स गिर जाते हैं तो उसके साथ उसका जो वेस्ट पार्ट है वो भी उसके बॉडी से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे बॉडी से बाहर किस किस फॉर्म में आते हैं प्लांट बॉडी से, तो आपका पहला हो गया बार्क मतलब छिलका छाल जो ऊपर होता है, दूसरा लीव्स पत्ते, तीसरा गम, चौथा ऑक्सीजन और पांचवा वाटर। ये पांच चीज जो है प्लांट अपने बॉडी से एक्सक्रीट करता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से, प्लांट बॉडी से पार्ट से। तो ये था कुछ एक्सक्रीशन। और एक बात और फिर से मैं बता दूं कि इजेशन और एक्सक्रीशन में बहुत डिफरेंस है, रिमूवल ऑफ लिक्विड मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन एंड द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज इजेशन। तो बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, वेस्ट को कैसा वेस्ट, तो कैसा भी वेस्ट, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जब अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट, अनडाइजेस्टेड जो फूड होंगे वो वेस्ट बाहर निकलेंगे तो उसको हम लोग इजेशन बोलते हैं, और जब लिक्विड बाहर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो आई होप सारे कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हो गया होगा तो आप क्या करेंगे कि कमेंट में क्वेश्चन मेंशन करेंगे, हम आपका कमेंट का रिप्लाई बहुत ही शीघ्र करेंगे, जल्दी करेंगे। और ये था हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट लाइव प्रोसेस का, और आपको उम्मीद है चारों वीडियो पार्ट, सॉरी फाइव हो गया ना, पाँचों वीडियो पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो, और अगर पुराने व्यूअर हैं आप तो क्या करें, बेल आइकन को जल्द जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। डैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।